वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो है टॉपिक वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप जैसे वर्ड आप समझ सकते हैं न्यूट्रलाइज करना, बट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन जिसमें आपका एसिड बेसिस जो है, जो कि अपोजिट नेचर के होते हैं, मीन्स एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जब ये दोनों अपोजिट जो नेचर होते हैं इनको जब मिक्स किया जाता है, मीन्स ऑन एडिंग एन एसिड टू अ बेस, अगर बेस में एसिड अगर ऐड करें तो दे रिएक्ट, एंड रिएक्ट करने के बाद जो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत तीखी चीज़ और बहुत मीठी चीज़ मिक्स करके न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ है। जैसे कि आपका जब एसिड एंड बेस को मिक्स किया जाएगा, तो एसिड बेस को मिक्स करने के बाद आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा उसमें क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोलिक एसिड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो एसिड है। तब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इनको मिक्स किया जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? कॉमन सॉल्ट फॉर्म करेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है? वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। मीन्स अगर न्यूट्रल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है अगर उसमें लिटमस पेपर प्लेस करें तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। कलर तभी चेंज होता है या तो एसिडिक हो या बेसिक हो। अब आ जाते हैं इन केस वेयर अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। भाई होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, इस तरह। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब बेस वीक है, तो क्या होगा? जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट फॉर्म स्लाइटली एसिड, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गर था, जो एसिड स्ट्रॉन्गर था बेस वीकर था, तो इफेक्टिव प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्लाइटली एसिडिक इन सॉल्यूशन फॉर्म होगा, यानी एसिडिक नेचर होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ अगर मिलाया जाए तो जो आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो आपका स्लाइटली एसिडिक होगा, एंड वो अगर एसिडिक होगा तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट। रेड मीन्स वो एसिडिक है, सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो ऐसा सॉल्ट जो प्रिपेयर हो, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड एंड बेस को मिलाने पे बनता है वो सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो यहाँ पे मिलाने पे जो सॉल्ट मिलेगा वो इफेक्टिवली क्या होगा? इफेक्टिवली एसिडिक होगा, तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अब इन केस वेयर वीक एसिड ले लिया, कि एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, उल्टा कर दिया, तो अब जो सॉल्ट मिलेगा वो स्लाइटली बेसिक नेचर को, अब बेसिक नेचर है तो क्या करेगा? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब याद कैसे करोगे? मतलब ब्लू याद रखो, आप समझ लो कि बेसिक चीजें होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। रेड मतलब डेंजरस, मीन्स एसिडिक। वैसे दोनों का नेचर अपोजिट, तो दोनों ही बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा एसिड भी सही नहीं है, ठीक है। बट आपको याद करने का तरीका कि लिटमस को अगर ब्लू फाइनल सोल्यूशन देना है तो ब्लू कब बनेगा? वो रेड से अगर ब्लू बनेगा तो वो बेसिक है, और अगर ब्लू से रेड बनेगा तो एसिडिक के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे रेड लिटमस अगर पेपर लेंगे और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। तो यहाँ पर उल्टा है कि अगर एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब जाहिर बात है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इन लोगों को मिलाने पे, जो सोल्यूशन रेडी होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेसिक है। ओके नाउ सम न्यूट्रल सब्सटेंस। सम न्यूट्रल सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन कलर। न्यूट्रल मीन्स ना एसिडिक ना बेसिक, तो कलर में कोई चेंज करेगा। इंडिकेटर्स आपको मैंने स्टार्टिंग बताए थे, है ना, स्टार्टिंग में जो इंडिकेटर्स थे वो आपको बताए थे, जो हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर, आपने चाइनीज फ्लावर और टर्मरिक पाउडर सॉल्यूशन, और केमिकल की बात करें तो फिनोल फैथलीन वगैरह, ये जो सब इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे आपने। तो जो इंडिकेटर्स हैं वो, उनका अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो सब्सटेंस हैं वो न्यूट्रल हैं। जैसे आपकी बात करें सॉलिड में, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। तो सॉलिड होते हैं वो सुगर, कॉमन सॉल्ट, आपने देखा सॉलिड फॉर्म में होता है, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्लास, सिलिका, सेरेमिक्स, ये सब सॉलिड है। तो ये सॉलिड क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। और लिक्विड में न्यूट्रल सब्सटेंस प्योर वाटर, प्योर वाटर जिसमें कोई प्योरिटी ना हो, कोई सॉल्यूशन, कोई और चीज़ मिक्स ना हो। अल्कोहल, ग्लीसरीन, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके लिक्विड है, गैसेस में एयर आ जाती है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम जो एवरीडे लाइफ की बात करें, जो न्यूट्रलाइजेशन है उसकी बात करते हैं, तो जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? बहुत ज़्यादा
तीखी चीज़ खा लेते हैं, अजीब बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, गरम मसाला टाइप में बहुत ज़्यादा होता है मसालेदार चीज़ें, तो क्या होता है आपके स्टमक में एसिडिटी फॉर्म हो जाती है और बहुत परेशान हो जाते हैं आप, क्योंकि एक नॉर्मल एसिडिटी लेवल से ज़्यादा एसिडिटी हमारे बॉडी को हर चीज़ एक 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 फिक्स अमाउंट में चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आपको खुद फील होगा कि कुछ प्रॉब्लम होने लगी। तो यहाँ पे आपके स्टमक में वैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा मसाले चीज़ डालेंगे तो एसिडिक का नेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपको क्या होगा प्रॉब्लम होगी। तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, है ना, उसको नॉर्मल कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटा एसिड लेनी पड़ेगी, तो इनडाइजेशन होने लगता है। और स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, वो एसिडिक ही है जो चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बट ज़्यादा एसिडिक होना वो इनडाइजेशन क्रिएट करता है आपके पेट में। तो समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, आपको पेनफुल फील होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो उसको कैसे रिलीफ मिलेगा आपको इस चीज़ से, हमें एंटा एसिड जो होते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज वो आपको क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक चीज़ें हैं, तो आपके जो स्टमक में एसिडिक लेवल है उसको क्या करता है कम करने की कोशिश करता है, कम करता है जिससे आपका एसिडिक लेवल जो पहले था वैसे हो जाता है, ठीक है। तो इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वो, ठीक है, यानी पूरा एसिड को बेस बना देगा, आपके स्टमक में एसिड होना चाहिए बट वो एसिड एक लिमिट से ज़्यादा हुआ तो दिक्कत होने वाली है आपको। नाउ एंट्स थिंग, मधुमक्खी चींटी के काटने से कई बार आपको क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है ना, इचिंग होती है, तो क्या करते हैं वो, इसका मतलब क्यों होता है, क्योंकि उनके बाइट्स में क्या होता है एसिडिक होता है, एसिड होता है, वो एसिड आपके स्किन में प्लेस कर देते हैं। तो द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, आपको नाम याद रखना है, इसके फॉर्मूले क्या है वो सब 9th 10th 11th में आप स्टडी करेंगे, यहाँ पे आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो होता है, एंड जब एंट चींटी काट बाइट काटती है या मधुमक्खी काटती है आपको, तो वो वही एसिड आपके हाथों में या आपके स्किन में प्लेस कर देती है, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस स्टिंग, अब वो स्वेलिंग भी होती है इचिंग भी होती है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बाय रबिंग उसको रब करते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा ले लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, कैलामाइन सॉल्यूशन, या कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है जिंक कार्बोनेट होता है, तो ये उससे न्यूट्रलाइज किया जाता है, किसको, फॉर्मिक एसिड जो स्टिंग ऑफ द एंट के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे स्किन पे जो एंटर करता है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं इन डिफरेंट बेसिक चीज़ों से, यानी बेकिंग सोडा से, कैलामाइन सोल्यूशन जो कि जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उससे। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट, भाई आपके सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी पे भी डिपेंड करता है आपका इरिगेशन प्रोडक्शन कैसा है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉइल में एसिडिक होना भी सही नहीं है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो होता है उसका नेचर बदल जाता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, ऐसे सोल्यूशन में बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेंगे जो जिसमें ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। एंड वेन द सॉइल इज टू बी एसिडिक इट ट्रीटेड विद अ बेस, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उसको बेस से ट्रीट किया जाता है, और बेस में कौन सा, क्विक लाइम यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड ऑक्साइड जिसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और या स्लैग लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक हुआ तो उल्टा करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड टू इट, तो अगर बेसिक नेचर हुआ तो उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, थोड़ा सा वो एसिड रिलीज करेगा तो बेसिक चीज़ों को फिर वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर एसिडिक है तो उसमें बेसिक चीज़ें ऐड की जाती है, और अगर बेसिक है तो उसमें एसिडिक चीज़ें, तो यहाँ पर अगर बेसिक नेचर है सॉइल का तो पहले सॉइल टेस्टिंग होती है ना, कि भाई सॉइल को टेस्ट कर लो, ऐसे नहीं किसी में कुछ भी आपने इरीगेशन में कर दिया कहीं भी, तो हमेशा क्या करते हैं इरीगेशन में एग्रीकल्चर में आपको सिखाया जाता है कि आप सॉइल की टेस्टिंग करो कि यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसका जब लैब में टेस्टिंग की होती है तो समझ आता है कि बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है, उस बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर एसिडिक नेचर है तो उसको बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और अगर बेसिक नेचर है तो थोड़ा सा एसिडिक ऑर्गेनिक जो मैटर है वो ऐड करके उसको बेसिक जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है। नाउ फैक्ट्री वेस्टेज, तो फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकलता है, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत एसिड होता है, एंड इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, अब देखते हो बड़ी फैक्ट्री से नाले के थ्रू जो है वो रिवर में बहुत सारा कचरा जाता है, लिक्विड जाता है, वो एसिडिक होता है, और वो एसिड क्या करता है, जो बेचारी मछलियाँ हैं या जो जिनका जो उस रिवर में जो रहते हैं एनिमल्स ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो क्या होता है, वो एसिड उस चीज़ को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा,
क्योंकि उनकी बॉडी में एंटर करेगा वो एसिड। जैसे हमारी बॉडी में अगर एंटर करेगा एसिड तो हमारे को भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वैसे इन फैक्ट्री से नालों के थ्रू अगर ये रिवर में जाएगा एसिड, तो बेचारी जो मछलियाँ आप देखते हो कई बार बहुत लाखों की तादाद में मछलियाँ मरी होती, तैर रही होती हैं वहाँ पे जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, क्योंकि वो एसिड क्या करते हैं, उनको हार्म करते हैं। तो जो फैक्ट्री वेस्टेज हैं उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए बिफोर उसको वाटर बॉडीज में फ्लो कराने से पहले, तो वो चीज़ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के चक्कर में दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। यही चीज़ है हमारी दुनिया में कि लोग अपना बचाने के चक्कर में दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं, या अपने बेनिफिट के चक्कर में, बचेगा पैसा अपना बेनिफिट, तो बहुत ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में दूसरों की जान, अपनी जान पर जब आएगी तब इंसान को समझ आता है कि ये चीज़ें हैं। तो ये लाइफ है, भगवान ने हम सबको अलग अलग क्रिएशंस दिए हैं, हमको हर चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सबकी लाइफ है। हाँ, अगर हमें भी जीने का अधिकार है तो उन एनिमल्स को भी जीने का अधिकार है, ठीक है। ये नहीं कि हम जो है अपने फायदे के लिए उनको मार रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने फायदे के लिए फैक्ट्रीज के जो एनी फिश ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक लाइफ है उसको डेंजर्स में डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो हमको भी आगे इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो अभी 2020 में हम लोग को कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर करेगा कोई और एक तो भरेगा पूरा देश। तो यही चीज़ होता है कि पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है, अगर किसी कंट्री में कुछ गलत चीज़ें हुई तो वो चीज़ स्प्रेड हो गई ऑल ओवर। तो वैसे ही अगर आपके समाज में कुछ चीज़ गलत हुई तो अगर उसको नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा तो उसका इफेक्ट सभी को होगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करते चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस साल देखो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन क्रिएशन के बारे में। अब आ जाते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट जो हैं, सॉल्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड। तो अभी आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक की। तो ये एडिशन है नॉलेज के लिए आपके लिए। क्या नॉलेज है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस। तो देखते हैं कौन सा सॉल्ट सॉल्ट बनता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन आपको दिख रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिख रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर ऐड किया जाए तो आपको कौन सा सॉल्ट मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको क्या याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला। तो देखो हाइड्रो हाइड्रो दोनों में कॉमन है, उसको हटा दो, सोडियम और क्लोराइड सॉल्ट बन गया। अब सेकंड रिएक्शन पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें याद रखना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड सल्फेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी ये हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन से, और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एंड सल्फेट है। तो हाइड्रोजन कॉमन वन हटा दो और सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, सोडियम और सल्फेट मिला दो तो सोडियम सल्फेट बन गया। ओके, वैसे थर्ड में आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में HNO3 है। तो यहाँ पे OH में हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम यानी Na। अभी आप ये सब याद करोगे क्लास 9 में जाकर कि सोडियम के लिए सिंबल यूज करते हैं Na, सोडियम एलिमेंट के लिए। हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो NaOH होता है, ठीक है। तो NaOH जो होता है तो इसमें सोडियम और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और वहाँ पे नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वाला कॉमन वर्ड हटा दो आप, तो सोडियम एंड नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, Na और वो NaOH और ये H, H वाला कॉमन चीज हटाओ, NaNO3 हो जाए, यानी Na मीन्स सोडियम, NO3 मीन्स नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह याद करना ईजी होगा आप लोगों के लिए। फोर्थ वन पे आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोनेट, तो इसको सोडियम एंड हाइड्रोजन में भी गायब कर दो, तो सोडियम और वहाँ पे कार्बोनिक से कार्बोनेट बना दो, जैसे नाइट्रिक से नाइट्रेट कर दो तो कार्बोनिक से कार्बोनेट कर दो, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरह याद करना इजी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाए तो क्या बनेगा, सोडियम एंड क्लोरिन से सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, सल्फ्री मीन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा, तो नाइट्रिक से नाइट्रेट हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा, तो कार्बोनिक से कार्बोनेट कर दो, सोडियम प्लस कार्बोनेट हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। अब ये रिएक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ये याद करने का तरीका है कि आपको किन बेस और एसिड को मिला के कैसे सॉल्ट मिल सकते हैं। तो बेसिक के भी आपको एग्जाम्पल मिल गए, बेस के डिफरेंट टाइप के, एसिड डिफरेंट टाइप के, और सॉल्ट डिफरेंट टाइप के फॉर्म हुए। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है क्लास, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट में हम आपसे इसके जो क्वेश्चंस है आपके बुक में वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो आपको एक दो दिन में पूरा रिवाइज